বাংলাদেশের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে রয়েছে স্পেশাল হাতিয়ার বস্ত্র শিল্প, যার সাহায্যে বাংলাদেশ বলে বলে মার দিতে পারে ভারতের বাজার। প্রচুর বড় বড় কোম্পানি কাপড় বানানোর জন্য পছন্দ করছে বাংলাদেশকে, এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো খবর, কিন্তু ভারতের জন্য কতটা রিস্ক? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, वेस्ट बंगाल मीडिया की वीडियो है और वेस्ट बंगाल इंडियन मीडिया ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश के पास एक ऐसा वेपन है जिसका उसने खूब इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ। वो कौन सा खतरनाक वेपन है जो इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश इस कदर उसको इस्तेमाल किया है कि इंडिया की तूती बोल गई है? तो वो है जी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़ा ही शानदार जो हथियार वेपन इस्तेमाल किया है वो इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश ने किया है। बिल्कुल, देखें इससे पहले भी अगर तारीख उठाकर देखें तो बांग्लादेश का जो कपड़ा है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल का जो कपड़ा है, मुस्लिम कपड़ा के नाम से बांग्लादेश का कपड़ा था, सूती कपड़ा, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता था, जो कि यूके की जो प्रिंस थी, जो वहाँ की क्वीन थी, वो भी बांग्लादेशी कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद फिर इंग्लैंड ने जो है वो बांग्लादेश का कपड़े की टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी, जो जो कारखाने थे, वो उन्होंने इंग्लैंड में शिफ्ट कर लिए थे। इस वजह से बांग्लादेश का एक दफ़ा नाम इसमें ख़त्म हो गया था, लेकिन बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपना नाम जो है वो एक बार फिर से कपड़े में बना लिया है और बादशाह बन चुका है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल सूती तो एक उसकी जान के सब ब्रांच की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ओवरऑल टेक्सटाइल में बांग्लादेश ने जनाब इंडिया को बीट कर दिया जी। वहाँ में जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद हो रही हैं और ऑर्डर कहाँ से ले रहे हैं? बांग्लादेश। उनके जो फैशन की इंडस्ट्री है बेंगलोर बम्बई में, वो क्या कर रहे हैं? वो बांग्लादेश को ऑर्डर कर रहे हैं कि जनाब आप हमारी जो डिमांड है वो पूरी करें जी। हालांकि वहाँ पे पहले ड्यूटी फ्री था जी, लेकिन अब फिर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स लगने के बावजूद भी इंडिया के अंदर, इंडिया की मार्केट्स में बांग्लादेश का कपड़ा परचेज किया जाता है। बिल्कुल, कोई अपने पहनावे में अब कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं बिल्कुल भी करता, इसे साफ साफ जाहिर होता है। और बांग्लादेश की क्वालिटी क्या है ये हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी और को बताने की ज़रूरत है। ये मुंह बोलता सबूत है बांग्लादेशी कपड़े का कि उसकी डिमांड इंडिया में, जबकि बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनके बावजूद बांग्लादेश को ऑर्डर दिया जाता है, तो फिर कुछ खास तो है ना कि जिस वजह से बांग्लादेश का कपड़ा जो है ज़्यादा पहना। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या कह रहा है उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं पहले, 3, 2, 1 एंड 2। বাংলাদেশের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে রয়েছে স্পেশাল হাতিয়ার বস্ত্র শিল্প, যার সাহায্যে বাংলাদেশ বলে বলে মার দিতে পারে ভারতের বাজার। প্রচুর বড় বড় কোম্পানি কাপড় বানানোর জন্য পছন্দ করছে বাংলাদেশকে, এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো খবর, কিন্তু ভারতের জন্য কতটা রিস্ক? অর্থনীতিতে বাংলাদেশের থেকে ভারত কিন্তু অনেক অনেক এগিয়ে। করোনা মহামারীর কারণে একটা খবর ভীষণ চর্চায় আসে, বাংলাদেশের জিডিপি পেছনে ফেলে দিয়েছে ভারতের জিডিপিকে। এটা বাংলাদেশের কাছে স্থায়ী সাকসেস ছিল না, কারণ পরের বছরই ভারতের জিডিপি বাউন্স ব্যাক করে। বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্ব বাণিজ্যে মাত্র 3% বিনিয়োগ করে, আর বাংলাদেশ করে সেখানে 6%, মানে ভারতের ডাবল। সময়টা 19 শতক, তখন কলকাতায় কটন মিল তৈরি হচ্ছে। ব্রিটিশ জামানায় কানপুর, ফরিদাবাদ, আহমেদাবাদ, মুম্বাই সহ বেশ কয়েকটা শহরকে বলা হতো ম্যানচেস্টার অফ দ্য ইস্ট। সেই সময় দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ দেশভাগের আগে, আজকের বাংলাদেশ ছিল মাসলিনের জন্য ফেমাস। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের দৌরাত্বে বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হতে থাকে, সেই সময় বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। ভারত কি তবে পারেনি? আসছে রিপোর্টের পরবর্তী অংশে। 1981 সালে বাংলাদেশের পোশাক খাতে রপ্তানি ছিল 3.5 মিলিয়ন, 2007 সালে তা মিলিয়ন নয়, দাঁড়ায় বিলিয়নে, প্রায় $10.7 বিলিয়ন। পার্থক্যটা ভাবতে পারছেন? এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে একমাত্র কোটা সিস্টেমের কারণে, কারণ ভারতসহ বহু দেশের উপর যে লিমিটেশন ছিল, সেই লিমিটেশন ছিল না বাংলাদেশের উপর।
তারপর 1995 এর পর আমেরিকা হঠাৎ করে বাংলাদেশকে লিস্ট ডেভেলপিং নেশন ক্যাটাগরিতে ফেলে দেয়। এটা ছিল বাংলাদেশের কাছে জ্যাকপটের মতো। জিএসপির আওতায় বাংলাদেশের রপ্তানি হয়ে যায় ট্যাক্স ফ্রি, বাংলাদেশের কাপড় হয় আরও সস্তা। এইভাবে বিভিন্ন দেশের মাটিতে আজ পাওয়া যাচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ কাপড়। 2022 এপ্রিল থেকে 2023 মার্চের মধ্যে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি হয়েছে $16 বিলিয়ন, আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জুলাই 2022 এপ্রিল 2023 মধ্যে রপ্তানি হয়েছে $38.57 বিলিয়ন পণ্য। ভারত অনেকটা বড় দেশ, কাঁচা মাল ফ্যাক্টরি থেকে পৌঁছতে তারপর তা বাজারজাত করতে প্রচুর সময় লাগে, কিন্তু বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ, একদিনেই সবটা হয়ে যায়। বাংলাদেশ তাই পোশাক শিল্পকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ডিজাইন করেছে, ভারতের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব নয়। ভারতের সাপ্লাই চেইন আর লজিস্টিক কাস্টে চলে যায় জিডিপির প্রায় 14%। বিগত 3 বছরে ভারত বস্ত্র শিল্পে প্রচুর উন্নতি করেছে, কিন্তু দেশের জনসংখ্যা প্রচুর হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদাও প্রচুর, তাই রপ্তানি করা সেভাবে হয়ে ওঠে না। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা একেবারে বিপরীত, তাই বাংলাদেশ বলে বলে মার দিতেও পারে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी वेस्ट बंगाल मीडिया की और किस तरह से वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। मैं तो भाई हैरान हो गया हूँ कि देखें कि लास्ट जो 8 मंथ की जो उसके ऊपर उन्होंने जो अर्न किया है वो बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा नंबर है और इंडिया के बहुत कम है। यानी 8 मंथ के अंदर उन्होंने 10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है और बांग्लादेश ने जनाब की है 38 बिलियन की। ये देखें कितना ज़्यादा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। वजह है कि बांग्लादेश की डिमांड है। अब वो देखिए, वो एक कपड़े का नाम ले रहे हैं जो बड़ा सिल्क नुमा है, इसका नाम मुस्लिम पोशाक है। वो बहुत ही ज़्यादा वो बताते हैं कि प्रिंस पहनते हैं और कॉस्टली भी है, और वो इतना नायाब कपड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में ही बनता है। बिल्कुल बांग्लादेश में बनता है, इसके अलावा कहीं से भी आपको ये नहीं मिलेगा। और इससे एक और भी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि देखें, बांग्लादेश का जो कपड़ा है उससे बांग्लादेश को चाहे अमेरिका कहे कि हम आपसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, चाहे UAE कहे, चाहे कोई भी कंट्री कहे कि हम आपसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला बांग्लादेश को। इंडिया से तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा जो है इस टाइम बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हो रही है कपड़े की। ख़ास तौर पर देखें, बांग्लादेश ने इंडिया को, एक बड़ी कंट्री है इंडिया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है बांग्लादेश को, तो उसके सामने अगर पॉपुलेशन के हिसाब से या रकबे के लिहाज से देखें तो कुछ भी नहीं है, और उसने एक बड़ी कंट्री को बीट किया है, ये छोटी चीज़ नहीं है बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में दुनिया में 2 नंबर पर है चाइना के बाद। बाकी बात ठीक है, इनके पास एक हथियार है जो इस्तेमाल कर लिया है इंडिया के खिलाफ, वो टेक्सटाइल की सोच है, वो टेक्सटाइल का वेपन है जो बांग्लादेश ने ऐसा इस्तेमाल किया कि आज इंडिया को उसने पीछे छोड़ दिया, जो कभी 2 नंबर पर हुआ करती थी एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल में इंडिया। अब बांग्लादेश ने जगह ले लिया, 2 नंबर पर बांग्लादेश आ गया और 3 नंबर पर चला गया इंडिया। यार बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूअर्स, आपको कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।